हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो आपके सामने इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड किया जाता है। मैंने एक अमेजोन से लैपटॉप खरीदा था 16/7/2019 को, और ये जो सेलर है वो एप्रियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का है, और मैं आपको ये बिल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे सेलर का नाम है जो कि लखनऊ का है, सेलर एप्रियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, और ये अमाउंट टोटल 54,990 का है। इसका यहाँ आप डेट भी देख सकते हैं और ये डिस्क्रिप्शन मॉडल नंबर भी आप देख सकते हैं। पर हुआ क्या मेरे साथ कि मैंने ये परचेज किया, जब ये लैपटॉप मेरे पास आया यहाँ पे, तो एज यूजुअल बिल में कोई गड़बड़ी नहीं थी। लैपटॉप मैंने उस समय तक देखा नहीं था। मैं जब इसे अनबॉक्स किया तो मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा जो आने वाला वीडियो है। आप ये वीडियो पहले देखिए, उसके बाद ये अनबॉक्सिंग का वीडियो है, ये वीडियो पहले आप देखिए। आपने अभी जो वीडियो देखा होगा फ्रेंड्स, उसमें आपको भी कोई गड़बड़ी नहीं फील हुई होगी, और मुझे भी कोई गड़बड़ी फील नहीं हुई थी। बट आपको अब एक और वीडियो मैं दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पे आप देखिएगा कि इसमें बारकोड के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया गया है। एक पुराना बारकोड के ऊपर नया मॉडल का बारकोड लगा दिया गया है, और वो सेलर के द्वारा सेल किया गया है। तो ये एप्रियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, मुझे आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके एप्रियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के सेलर से कभी भी किसी तरह का कोई भी परचेज नहीं कीजिएगा। ये एक बहुत 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 बड़ी फ्रॉड है, और आप ऑनलाइन आप सर्च कीजिएगा एप्रियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का वीडियो, और भी आपको मिल जाएगा जिसके साथ और भी कस्टमर्स के साथ इसने फ्रॉड किया है। तो अब ये वीडियो आप पहले देखिए।
अभी जो आपने वीडियो में देखा होगा किस तरीके से बारकोड के साथ खिलवाड़ किया गया और पुराने मॉडल नंबर के बारकोड के ऊपर नया मॉडल नंबर चिपकाया गया है। इसके बाद मैं आपको अब लैपटॉप दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में ये है क्या। ये लैपटॉप है जो ASUS का है, जैसा कि आपने बिल में देखा होगा। इसके साथ कुछ पेपर वर्क, ये पेपर और ये बिल। एक बार आप फिर से एक क्लोज लुक में आप एक बार फिर से इस बिल को देख लीजिए, जिसका कि मॉडल नंबर FX505DD है, ठीक है। एंड मैं आपको लैपटॉप के बैक में अब दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या लिखा है। ये लैपटॉप का बैक साइड में यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, दोनों मॉडल नंबर इंटायरली डिफरेंट है। मैं ये बात दो बार बोल रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा ध्यान दें कि ये सेलर किस तरीके से आपको चीट करने का काम कर रहा है, ठीक है। ये लैपटॉप कुछ ऐसा लगता है, ये लुक इसका बहुत शानदार है, पर ये ऐसा लगता है, इट लुक्स लाइक दिस। ये पूरा लैपटॉप, इसके साथ आपको एक चार्जर मिला है। ये जो चार्जर है, ये अडैप्टर आपको 19 वोल्ट 6.32 एम्पीयर का ये एक अडैप्टर इसके साथ मिला है। ये इसका पिन। और फिर मैं आपको इसके अब लैपटॉप की सेटिंग्स दिखाना चाहूँगा इसके बाद। ये रहा फ्रेंड्स, ये मैं सेटिंग पे अब जा रहा हूँ। मैं माई कंप्यूटर में जाने के बाद, आप जिस पीसी में जाने के बाद, आप यहाँ पे मैनेज पे क्लिक कर सकते हैं। और मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपको विंडोज़ मैनेजमेंट का जो पेज खुलेगा, आप इसके डिस्क मैनेजमेंट पे जाइएगा। तो आप इस पीसी में आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक ही हार्ड डिस्क है, इसमें कोई SSD नहीं है। अब मैं आपको अमेज़ॉन पे लेके चलता हूँ, जो मैं लिस्टिंग में जो मुझे बताया गया था। ये मैं पेज पहले से खोल रखा हूँ फ्रेंड्स। और आप, मैंने जो बाय किया था, यू परचेज दिस आइटम ऑन 16 जुलाई 2019, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे ग्राफिक्स और स्टोरेज में 1 TB 5400 RPM 2.5 HDD प्लस PCIe NVMe 256 GB M.2 SSD, जो कि 1 TB हार्ड डिस्क इन्होंने तो मुझे प्रोवाइड किया है, लेकिन PCIe SSD जो है इन्होंने मुझे प्रोवाइड नहीं किया है। इस लैपटॉप में नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया है यहाँ पे। और उसके बाद अगर ग्राफिक्स की बात करें तो मैं CPU Z का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आप अपने सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं CPU Z। दिस मैं ये पहले से खोल के रखा हूँ, CPU ID CPU Z, यहाँ से आप सारी डिटेल्स और कॉन्फ़िगरेशन अपने सिस्टम के देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि CPU, कैश, मेनबोर्ड, मेमोरी, SSD, ग्राफिक्स। मैं ग्राफिक्स की बात करूँगा, यहाँ पे Radeon TRX 560 ग्राफिक्स इन्होंने मुझे प्रोवाइड किया है। और जब आप Amazon पे जाइएगा, जो इन्होंने लिस्ट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे GTX 1050 GDDR5 3GB VRAM ग्राफिक्स इन्होंने प्रोवाइड किया है, जो कि मुझे ये बताया गया था, पर मुझे मिला रेडियन की ग्राफिक्स मिली है, वहाँ Radeon TRX 560X। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, किस तरीके से ये सेलर जो है वो फ्रॉड करने का काम कर रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। मेरा एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से, आप कृपया करके इस सेलर से कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदें। ये सब फेक काम करने का काम कर रही है अमेज़न के साथ मिलके। और बस मैं अभी तो इतना ही बोलूँगा, मेरे साथ ये हो चुका है, कहीं आपके साथ भी ये ना हो, इसलिए आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। और काइंडली अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, आने वाले दिनों में और भी वीडियो जानने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।